अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे खास ऐतिहासिक फैक्ट्स और इवेंट्स की जो आप लोगों की सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दिस वी विल आल्सो शेयर विद यू सम नेसेसरी क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आप अवश्य ही इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि इनका अभ्यास आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इन सभी के उत्तर देके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इनकी लगातार प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं 1 मार्च अर्थात पहली मार्च आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहाँ संबंधित है वर्ष 1917 के साथ, व्हेन फेमस इंडियन राइटर करतार सिंह दुग्गल वॉज बॉर्न, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय लेखक करतार सिंह दुग्गल का आज ही के दिन वर्ष 1917 में जन्म हुआ था। करतार सिंह दुग्गल वॉज एन इंडियन राइटर हु रोट इन पंजाबी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। हिज वर्क्स इंक्लूडेड शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामास एंड प्लेज, और उनकी तमाम रचनाओं को न कि सिर्फ अंग्रेजी बल्कि कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित किया गया था। Dukkal started his professional career with the All India Radio. He worked there from 1942 to 1966 in various positions, including the station's director. Iske alawa, he also served as the secretary or director of the National Book Trust of India from 1966 to 1973. From 1973 to 1976, he served as an information advisor at the Ministry of Information and Broadcasting, और उन्होंने बैंगलोर में Institute of Social and Economic Change का संगठन भी किया था। उनके साहित्य और समाज के प्रति सराहनीय योगदानों के लिए भारत सरकार ने इनको कई सम्मानों से ऑनर किया, जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड एंड सोवियत लैंड अवार्ड, और भाई वीर सिंह अवार्ड इन 1989 प्रेजेंटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। सम ऑफ हिज वेरी फेमस वर्क्स इंक्लूड नेल्स एंड फ्लैश, मैन परदेसी एंड कम बैक माय मास्टर। अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1966 के साथ, व्हेन सोवियत प्रोब वेनेरा 3 क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट वीनस, अर्थात सोवियत प्रोब जिसका नाम वेनेरा 3 था और जो कि वेनेरा सीरीज का एक क्राफ्ट था, उसने शुक्र ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होके इतिहास बनाया। Venera 3 was a Venera program space probe that was built and launched by the Soviet Union to explore the surface of the Venus. इसे 16 नवंबर 1965 को कजाकिस्तान USSR से लॉन्च किया गया। जांच में एक प्रवेश जांच शामिल थी जिसे शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया था। Alongside it had a parachute to the surface and a courier spacecraft which carried the entry probe to Venus and also served as a communications relay for the entry probe. The mission of the spacecraft was to land on the Venusian surface and the entry probe crashed on Venus on 1st March 1966, making it the first space probe to hit the surface of another planet. The power system for the courier spacecraft was notable as it was the first operational use of gallium arsenide solar cells in space. यहाँ आप ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि फरवरी 12, 1961 था वो समय जब सोवियत स्पेसक्राफ्ट वेनेरा पहला अर्थात वेनेरा 1 वाज द फर्स्ट प्रोब लॉन्च्ड इनटू अनदर प्लैनेट। परंतु पहला सक्सेसफुल मिशन वीनस तक था अमेरिकन मरीनर 2 स्पेसक्राफ्ट व्हिच फ्लू पास्ट द वीनस इन 1962। और अब अगर भारत के संदर्भ में बात करी जाए तो शुक्रयान 1
is a proposed orbiter to the Venus by Indian Space Research Organization arthat ISRO, which intends to study the surface and atmosphere of Venus. और अब इसके साथ देखते हैं अगला फैक्ट आज का जो कि संबंधित है 1983 के साथ when Indian amateur boxer politician Marie Combe was born. अर्थात भारतीय पेशोवर मुक्केबाज और राजनीतिज्ञ मैरी कॉम का आज ही के दिन वर्ष 1983 में जन्म हुआ था. मैरी कॉम इज एन इंडियन एमेच्योर बॉक्सर पॉलिटिशियन एंड इनकम्बेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज राज्यसभा एंड शी हैज बीन निकनेम्ड मैग्निफिसेंट मैरी अपने कई अचीवमेंट्स के लिए. वह मणिपुर राज्य से संबंधित हैं. शी was the first Indian woman boxer to have qualified for the 2012 Summer Olympics, competing in the flyweight 51 kgs category and winning a bronze medal. She had also been ranked as the world's number one female light flyweight by the International Boxing Association arthat AIBA, aur woh pehli Bharati mahila boxer bani to win a gold medal in the Asian Games in 2014 at Incheon, South Korea. And she is also the first Indian female boxer to win gold in the 2018 Commonwealth Games. She is also the only boxer to become Asian amateur boxing champion for a record 6 times. Varsh 2017 mein Ministry of Youth Affairs and Sports, the Government of India appointed her along with Akhil Kumar as the national observers for boxing. उनके इस उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए भारत सरकार ने इनको तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जैसे कि शी रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2020 फॉर स्पोर्ट्स, पद्म भूषण इन 2013. अपार्ट फ्रॉम दैट शी आल्सो रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2009, पद्मश्री इन 2006 एंड अर्जुन अवार्ड इन 2003. यहाँ ये भी याद रखिएगा कि इनकी लोकप्रिय ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल. और अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि है कि किस प्रकार वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड. और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है हर वर्ष पहली मार्च के ही दिन. एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड डिफेंस डे अर्थात 2021 की है सिविल डिफेंस एंड द फर्स्ट एड इन एवरी होम. इस दिन को 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन अर्थात ICDO द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था. द डे मार्क्स द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द ICDO कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन 1972. लेकिन यहाँ फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या है ICDO? तो ICDO, जिसको कि हम इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी बुलाते हैं, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिवेलपमेंट बाय स्टेट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ensuring the protection and assistance of population and safeguarding property and the environment from natural or man-made disasters. Iska sangathan kab hua tha? To iska sangathan hua tha varsh 1931 mein. और मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसके मुख्यालय स्थित हैं जनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित एक जाना माना शहर है. और अब इसके साथ आज का अगला फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि है कि किस प्रकार जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाया जाता है आज ही के दिन विश्व भर में, और क्या होता है ये दिन. तो द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज एन एनुअल डे सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. द डे एम्स टू प्रमोट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इन प्रैक्टिस थ्रू आउट ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था ऑन 1 मार्च 2014 और लॉन्च किया गया था बाय द यूएन एड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल सिडबी. दिस डे इज पर्टिकुलरली नोटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन एड्स एंड दोज व्हिच कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल हु आर लिविंग विद द डेडली डिजीज एचआईवी एड्स. और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं. यहाँ सबसे पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेल एंड फ्लैश, अर्थात नेल एंड फ्लैश नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है. ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि ए खुशवंत सिंह, बी करतार सिंह दुग्गल, सी मनमोहन सिंह या डी सरदार पटेल.
The next question is, which was the first space probe to hit the surface of another planet? अर्थात किसी दूसरे ग्रह की सतह पे टकराने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? आपको इसका नाम बताना है कि ये था ए वेनेरा 3 या था वेनेरा 2, was it C Mariner 1 or was it D वेनेरा 5? The next question is, what is Marie Combe's famous autobiography known as? अर्थात मैरी कॉम की प्रसिद्ध जीवनी का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं ए अनथिंकेबल, बी अनब्रेकेबल, सी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट या फिर डी प्लेइंग इट माय वे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? अर्थात दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में आपके पास कुछ तारीखें दी हैं जैसे कि ए मार्च 1, बी मार्च 2, सी मार्च 3 या डी मार्च 5। Now the next question is, when is the World Civil Defence Day observed? अर्थात विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? Options हैं A 2 फरवरी, B 1st मई, C 1st मार्च या D 4th मार्च। Now इन सभी important questions और कुछ खास facts के साथ आज के इस session को हम यही समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एंड विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर विद अस।